नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की लाडली बेटी सुरभि आनंद की बीते 15 फरवरी को भव्य तरीके से शादी की गई थी। कहा भी जाता है कि शादी के बाद जो पहली होली होती है, वो होली जो होती है वो मायके में मनाई जाती है। ऐसे में सुरभि आनंद अपने पति के साथ पटना स्थित अपने मायके पहुंची और यहां पर उन्होंने धूमधाम से होली मनाने का काम किया है। सुरभि आनंद ने इसको लेकर खुद अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरों को साझा किया है और लिखा है कि शादी के बाद की पहली होली, यानी कि उनकी शादी हुई और शादी के बाद की ये जो होली थी, बीते कल होली खत्म हुई और ऐसे में उन्होंने होली मनाने के लिए अपने पति के साथ पटना वे पहुंची और यहां पर अपने परिवार के साथ अपनी माँ लवली आनंद, अपने भाई चेतन आनंद, अंशुमन आनंद के साथ वे रंग गुलाल लगाते नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरभि आनंद, राजहंस, उनके परिवार के अन्य सदस्य चेतन आनंद, अंशुमन आनंद, लवली आनंद सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं और होली की खुशियां में शुमार नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर चेतन आनंद ने भी अपने फेसबुक पर पोस्ट किया है, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, तस्वीरों को साझा किया है और लिखा है कि ये मिथिला के रिवाज की तरह एक जो शादी के बाद की जो होली होती है वो बेटियों के लिए जो पहली होली होती है वो मायके में मनाई जाती है। ऐसे में सुरभि आनंद और हमारे बहनोई राजहंस भी हमारे घर आए हैं और यहाँ पर हमने उनके साथ होली की खुशियाँ मनाई है। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है, इसको लेकर उन्होंने दुख जाहिर भी किया है कि अगर पापा होते तो होली की खुशी वो अलग ही होती। दरअसल आपको बता दें कि आनंद मोहन अपनी बेटी की शादी के लिए पेरोल पर बाहर आए थे। 15 दिनों का उन्हें पेरोल मिला था जिस पर वो बाहर आए थे और फिर उन्होंने भव्य तरीके से अपनी बेटी की शादी की थी। यह शादी जो है ये पटना के एक निजी फार्म हाउस में आयोजित की गई थी जिसमें लगभग 15,000 गेस्ट आए थे। इस शादी को लेकर कई तरीके से वैराइटीज़ बनाए गए थे, नॉनवेज के अनेक आइटम्स थे, वेज के अनेक आइटम्स थे। इस शादी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ साथ देश भर से कई ऐसे दिग्गज नेता, पक्ष विपक्ष के नेता शामिल हुए थे और सुरभि आनंद को आशीर्वाद देने का काम किया था, जिसके बाद मुंगेर में सुरभि आनंद का रिसेप्शन भी आयोजित किया गया था। दरअसल सुरभि आनंद और उनके पति जो राजहंस है, इनका अरेंज मैरिज हुआ है। इसको लेकर सुरभि आनंद ने बताया भी था कि उनके पिता की मर्जी के अनुसार ही वे शादी कर रही हैं, उनके पिता की पसंद के अनुसार उन्होंने शादी किया है, ये अरेंज मैरिज है। राजहंस जो हैं वे रेलवे के एक अधिकारी हैं और उन्हें बहुत पसंद है और वो एक सेल्फ मेड मैन है जिस वजह से उन्हें काफ़ी पसंद है। ऐसे में शादी की पहली होली मनाने के लिए दोनों अपने ससुराल पहुंचे, यानी कि सुरभि आनंद अपने मायके पहुंची और राजहंस अपने ससुराल पहुंचे और यहां पर दोनों ने जमकर होली की खुशियां मनाने का काम किया है। हालांकि आनंद मोहन अभी जेल में है क्योंकि उनका पेरोल खत्म हो गया था जिसके बाद वे फिर से सहरसा जेल चले गए थे। कहा जा रहा है कि अब उनके बेटे की भी शादी होनी है, ऐसे में आनंद मोहन क्या फिर से पेरोल पर बाहर आएंगे या फिर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुले मन से बीते दिनों कहा था, लोगों को, राजपूत समाज के लोगों को ये संदेश दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, हम रिहाई को लेकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। आनंद मोहन ने भी जब वे पेरोल खत्म हो गया था उनका, तो वे जाते जाते ये कहे थे कि अगर नीतीश कुमार ने ये कहा है, एक गंभीर व्यक्ति, गंभीर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक ऐसा कहता है तो वो जरूर ही कुछ कर रहे होंगे, तभी उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या आनंद मोहन अपने बेटे की शादी पर फिर से पेरोल पर बाहर आते हैं या फिर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें आईवी टीवी के साथ। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।